गुड इवनिंग एवरीवन, परीक्षा प्लस पे आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, जिसमें उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे और घरों से कम बाहर निकल रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में एक्चुअली जब मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी उस वक्त में सारे परंपरागत चीज़ें हमारी हुई थी, और मैंने वहाँ पे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और कुछ रीसेंट जो करंट डेटा आने वाला था उसको मैंने इस साल के लिए छोड़ा हुआ था कि इस बजट के आने के बाद में हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स के सेक्शन में मैंने आप लोगों से पहले भी बताया कि यहाँ पे होता क्या है कि आधी चीज़ें जो हैं वो आपकी ट्रेडिशनल होती हैं और काफ़ी क्वेश्चंस करंट से भी आते हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से स्टेट पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में अगर देखें हम, या आरओ में देखें, तो दो तीन क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, या वन डे एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से दो से तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि क्वेश्चंस सरकार की योजनाओं से रिलेटेड पूछे जाएं, हो सकता है कि क्वेश्चन सरकार की योजनाओं से रिलेटेड पूछे जाएँ, हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछे जाएँ कि उसका जो फैक्चुअल अमाउंट होता है, किस योजना पे सरकार ने इस बजट में कितना व्यय किया है उससे रिलेटेड, या जो सरकार के इस बजट के कुछ डेटा होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ठीक है, या टैक्स स्लैब अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, या सरकार को होने वाली आय किससे सबसे ज़्यादा हो रही है, या सरकार किस पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बजट के सेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बजट। आइए, तो देखिए, अगर बजट की बात की जाए तो बजट क्या है? बजट का जिक्र हमारे यहाँ संविधान में कहाँ पे किया गया है? संविधान में बजट का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया गया है, ठीक। संविधान में आर्टिकल 112 में, आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 112 में बात की गई है किसकी? आर्टिकल 112 में बात की गई है किसकी? वार्षिक वित्तीय विवरण की, ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। अब बजट क्या होता है? जैसे हम लोगों का बजट होता है, हम लोगों की एक इनकम होती है, उसके खर्चे होते हैं अलग अलग। घर की भी अगर हम बात करें तो घर में भी हमारा बजट होता है कि खाने पीने की चीज़ों पे कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे कितना पैसा खर्च होगा। घर में अगर कोई सदस्य बीमार है तो उसकी बीमारी पे ऑन एन एवरेज कितना पैसा खर्च होता है, ठीक। उसके बाद में एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होगा, ठीक। तो उसी तरह से सरकार का भी बजट होता है, ठीक, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में ये खर्च किए जाते हैं, ठीक। अलग अलग सेगमेंट हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग योजनाओं में सरकार क्या करती है कि पैसे का आवंटन करती है, ठीक। तो भारत में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में बात की गई वार्षिक वित्तीय विवरण की। थोड़ा सा बजट का इतिहास जान लीजिए कि भारत का, आज़ाद भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। भारतीय बजट की अगर व्यवस्था की अंग्रेजों के टाइम से बात करें तो जेम्स विल्सन को माना जाता है, 1860 में इन्होंने किया था, जेम्स विल्सन, ठीक है,
और षणमुखम चेट्टी साहब ने जो बजट प्रस्तुत किया था, ये बजट था कब, 26 नवंबर 1947 को इन्होंने प्रस्तुत किया था। और जो बजट की ड्यूरेशन थी वो कब से थी, तो जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए ये बजट था। ठीक, तो ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो बजट वार्षिक वित्तीय विवरण पहली बार प्रस्तुत किया आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। जो हमारा बजट ड्यूरेशन था 1 साल, जैसा आप जानते हैं कि बजट 1 साल के लिए ही होता है। ठीक, अच्छा, बजटीय परंपरा स्टार्ट होती है जेम्स विल्सन के टाइम से। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि जैसे जब हम गणतंत्र बने, गणतंत्र कब बने, 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम कौन था। ठीक, तो उस टाइम कौन थे, जॉन मथाई थे। कभी कभी एक आध बार इसको भी पूछा जॉन मथाई के बारे में। ठीक, तो इस टाइम जॉन मथाई वित्त मंत्री बन गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर किसी महिला के बारे में कि कौन सी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है, तो ध्यान रखिएगा कि अभी की जो महिला वित्त मंत्री हैं, मतलब अभी कौन है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, यही जो है क्या है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले कौन था, तो इससे पहले इंदिरा गांधी भी रह चुकी हैं, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी, वो पार्ट टाइमर थी। क्यों, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री थी। ठीक है, तो मैडम इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री भी थी, और प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त मंत्रालय का चार्ज था। ठीक है, तो ये रही बात यहां तक की। ठीक, और वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। अच्छा, यहीं पे अब कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे एक बात और यहीं पे, भारत का बजट सबसे ज्यादा बार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, तो सबसे ज्यादा बार प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो जाता है मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, 10 बार। ठीक, इसके बाद की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई के बाद 8 बार हमारे इससे पहले वाले वित्त मंत्री कौन थे, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में थे, पी चिदंबरम, पी चिदंबरम साहब ने जो है वो 8 बार प्रस्तुत किया है। ठीक है, और ये इन्होंने, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। ठीक, महिला की बात करें तो निर्मला सीतारमण, पहली महिला की बात करें जो पूर्णकालिक नहीं थी तो उसमें इंदिरा गांधी, पहले वित्त मंत्री की बात करें तो षणमुखम शेट्टी। ठीक, और फादर ऑफ इंडिया बजटिंग जेम्स विल्सन। ठीक, तो अब यहां तक बात हो गई बजट के बेसिक चीजों की, मतलब बजट किसने किसने प्रस्तुत किया, क्या क्या बजट कितनी बार प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये एक बजटीय इतिहास हो गया। इसके बाद में एक चीज और समझ लीजिए, जहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और यहां से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दिक्कत क्या होती है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब उसमें दो तीन चीजें जब टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करता है तो हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जैसे वो टर्म्स को यूज करेगा, वो बार बार उन टर्म्स को यूज करेगा, जैसे वो पूछेगा कि भाई अब आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा कि अग्रिम अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक अनुमान,
तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली ये क्या होता है। ठीक, तो अगर बात की जा रही है बजट में, बजट अनुमान की, ठीक है, इस अनुमान की या अग्रिम अनुमान की, संशोधित अनुमान की, वास्तविक अनुमान की, तो ये अनुमान क्या होते हैं, ये चीजें इसमें होती क्या है। तो देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि बजट जो होता है, बजट क्या होता है कि 3 साल का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, बजट क्या है, बजट 1 साल का स्टेटमेंट नहीं है, बजट 3 साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब क्या हो गया, बजट 3 साल का वार्षिक वित्तीय विवरण है। कितने साल का, 3 साल का। ठीक, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस बजट की, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बजट 2021-22 की। ठीक, तो हमको बात किसकी किसकी करनी पड़ेगी, बजट 2019-20 की, 2020 और 21 की, और 2022 और 22 की। ठीक, तो देखिए, अब ये साल जो है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि फरवरी में, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया, तो वो जो बजट प्रस्तुत किया गया, वो बजट कौन सा प्रस्तुत किया गया, बजट 2021-22 को प्रस्तुत किया वित्त मंत्री ने। ठीक, 2021-22 को प्रस्तुत किया, फरवरी में किया, मतलब कि अगला वित्तीय वर्ष जो आएगा, मतलब कि जो बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगा, तो आज तो फरवरी है, तो मतलब ये साल जो चल रहा है इसमें, मतलब कि अभी से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, तो इस बजट के लिए कौन सा अनुमान होगा, संशोधित अनुमान। अनुमान यहां के लिए बजट अनुमान, बजट अनुमान, इसी का एक नाम और होता है, इसी को हम लोग अग्रिम अनुमान भी कहते हैं, इसी को कहा जाता है अग्रिम अनुमान। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अग्रिम अनुमान या बजट अनुमान। ये जो है 2021 संशोधित अनुमान, और जो 2019-20 है इसको कहा जाता है वास्तविक अब हमारे पास जो रियल डेटा है, जो एकदम सही और एक्यूरेट डेटा है, वो 2019-20 का हमारे पास में मिल गया है। ठीक, 2021 की बजट की बात करें तो इसका संशोधित अनुमान है। क्यों, क्योंकि अगर हम इस अनुमान की बात करें जो हमारा टारगेट है, तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है लक्ष्य जिसको कहते हैं टारगेट, और एक होता है प्राप्ति जिसको कहते हैं अचीवमेंट। ठीक, तो हमारा लक्ष्य कितना है और हमारी प्राप्ति कितना हुई, तो सपोज करिए कि अगर लक्ष्य था 7% का, प्राप्ति हुई 5%, तो हम संशोधित अनुमान कर लेंगे 6% या 5.5%। समझ गए, हमारा लक्ष्य था 7% का, प्राप्ति हुई 5% की। अब जो अगला बजट आएगा, उस अगले बजट में इस बजट के लिए भी यही सारी चीजें होंगी। क्यों, क्योंकि इसमें लक्ष्य तो दिया ही गया है, लक्ष्य तो हमको पता ही है, लेकिन हमको प्राप्ति अभी नहीं मालूम है, प्राप्ति अगले बजट में मालूम पड़ेगी। क्यों,
की कितनी हुई, तो प्राप्ति जब मालूम पड़ेगी तो वहां से क्या किया जा सकता है, वहां से ये किया जा सकता है कि एक संशोधित अनुमान हमको मिल जाएगा। तो ये बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी कि एक वित्तीय वर्ष पहले के लिए वास्तविक अनुमान हमारे पास, वास्तविक आंकड़े हमारे पास होते हैं, अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमारे पास अग्रिम अनुमान होते हैं, और चल रहे वित्तीय वर्ष के लिए हमारे पास संशोधित अनुमान होते हैं। ठीक, तो ये रहा यहाँ तक का बजट का बेसिक। अच्छा देखिए, एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ तक बात हो गई बजट की। ठीक, एक बात बजट में और समझ लीजिए, जहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमको डेटा को बहुत आसानी से पढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ डेटा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, कुछ स्कीम्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, समझने वाला काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, चीजें आपको बेसिक जो मोटा मोटी चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे राजस्व घाटा। ठीक, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे समझ लीजिए कि जब खर्चा ज्यादा होगा और आमदनी कम होगी तो क्या होगा, घाटा होगा ना, हमको उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पेन 20 रुपए की है, मुझे खरीदना है, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। ठीक है, इसको खरीदने के लिए मुझे उधार लेना पड़ेगा ना, तो यहां पे जो राजस्व व्यय होता है वो राजस्व व्यय आय से ज्यादा हो जा रहा है, तो वहां पे राजस्व घाटा। लेकिन जब आप देखते होंगे कि राजस्व घाटा के घाटे के बाद एक वैल्यू, अच्छा ये तीनों चीजें जो होती हैं वो जीडीपी के सर्टेन परसेंटेज में होती हैं। जीडीपी वगैरह हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, तो जीडीपी के सर्टेन परसेंटेज के रूप में होती हैं, फर्ज कीजिए, सपोज कीजिए जीडीपी के 5% के रूप में। ठीक है, जीडीपी के 6% के रूप में, जीडीपी के 4% के रूप में, और इसको कम से, क्योंकि घाटा है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि इस घाटे को कम से कम रखा जाए। गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस घाटे को कम से कम रखा जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसकी भी एक टारगेट बनाया जाता है और उसको देखा जाता है कि इसका लक्ष्य से प्राप्ति हुई या नहीं, नहीं तो इसका भी संशोधित फिर गवर्नमेंट देती है। ठीक है ना, तो राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा में क्या अंतर होता है, प्रभावी राजस्व घाटा इससे कम होता है। कम कैसे होता है, देखिए प्रभावी राजस्व घाटा इससे कम क्यों होता है, क्योंकि देखिए व्यय होता है, एक राजस्व व्यय होता है और एक पूंजीगत व्यय होता है। ठीक, राजस्व व्यय क्या होता है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वहां पे राजस्व व्यय ये होता है कि मैं कि सरकार को पेंशन देनी है, राजस्व व्यय हो गया। ठीक, सरकार को पेंशन देनी है, राजस्व व्यय, सरकार को तनख्वाह देनी है, राजस्व व्यय सरकार, लेकिन जब उसी पैसा जो खर्च हो रहा हो उससे किसी पूंजी का निर्माण हो रहा हो, ठीक, हॉस्पिटल बन रहे हो, फ्लाईओवर बन रहे हो, पुल बन रहे हो, सड़क बन रही हो, ठीक, बॉर्डर पे अच्छा काम हो रहा हो, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे आपका पूंजीगत व्यय कहा जाएगा। ठीक है, तो जब राजस्व घाटे, जो राजस्व घाटा आ रहा है इसमें से पूंजीगत व्यय को हम माइनस कर देंगे, पूंजीगत व्यय को हम माइनस कर देंगे तो हमको प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाएगा, और इसी तरह राजकोषीय घाटा, जब वहां से राजकोष में से जो घाटा हो रहा है, मतलब आय हमारी कम हो रही है और व्यय हमारा ज्यादा हो रहा है, तो वही वहां पे घाटा, तो इसमें क्या होता है, इसका डेटा पूछता है। ठीक है, कि कितना परसेंट है, 19-20 में कितना परसेंट था, सरकार ने इस 21-22 के बजट में कितने परसेंट का लक्ष्य रखा है। ठीक, तो यही बात यहाँ पे रहती है। ठीक, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। ठीक, इस बार के बजट के बारे में। ठीक है,
अच्छा, बजट से एक दिन पहले आती है आर्थिक समीक्षा, ठीक, उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे, ठीक। ये केंद्रीय बजट 2021-22, ठीक। और इसमें मैंने क्या बताया था कि 19-20 का जो वास्तविक हमारे पास डेटा है, 20-21 का संशोधित डेटा और 21-22 का हमारे पास अग्रिम अनुमान या बजट अनुमान, ठीक। तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को ये लोकसभा में प्रस्तुत किया, ठीक। अच्छा, ये एनडीए सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का 8वां और दूसरे कार्यकाल का 3रा नियमित बजट था। अच्छा, यहां पे एक बात और समझ लीजिए कि बजट भी दो टाइप का होता है। एक, जब सरकार के पास पूरा मौका होता है, जब सरकार के पास पूरा टेन्योर होता है, तो सरकार पूर्ण बजट लाती है, ठीक है। और अगर सरकार चुनाव में सरकार जा रही होती है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम 4 महीने तक के लिए ही बजट ला सकती है, और उसको कहते हैं अंतरिम बजट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिम बजट, ठीक है। तो अंतरिम बजट सरकार तब लाती है जब उसके पास आगे आने वाले टाइम का पता नहीं होता कि ये सरकार ही वापस आएगी कि कोई दूसरी सरकार आएगी, तो वहां पे वो सरकार क्या करती है, अंतरिम बजट लेकर के आती है, ठीक। अच्छा, एक बात और, ये बजट जो था, जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये बजट जो था वो क्या था, डिजिटल बजट था, मतलब पेपरलेस बजट था, ठीक है। तो ये बजट जो है वो पेपरलेस बजट है। कागज रहित प्रस्तुत किया गया, मतलब पेपरलेस। आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जब आई भी थी तो वो इस बार क्या था, लाल रंग के एक बैग में उनके पास में टैबलेट था, ठीक है। तो इस बार का बजट डिजिटल फॉर्म में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, इस बार का जो बजट को कहा गया क्या, आपदा में अवसर ढूंढने वाला, ठीक, आपदा में अवसर ढूंढने वाला। और 6 पिलर्स पे, ये पिलर्स हो जाएगा, ठीक है, वित्त मंत्री ने इसको 6 पिलर्स पे आधारित बताया, ठीक। अब ये 6 पिलर कौन कौन से थे, 6 स्तंभ कौन कौन से थे, तो देखिए, स्वास्थ्य और कल्याण, मतलब हेल्थ और वेलफेयर, पहला, स्वास्थ्य और कल्याण मतलब हेल्थ और वेलफेयर। दूसरा, भौतिक और वित्तीय पूंजी और संरचना, ठीक, भौतिक और वित्तीय मतलब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया, और समावेशी विकास, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही, समावेश, सबको जोड़ते हुए ग्रोथ करने की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। चौथा, ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी का मतलब ह्यूमन कैपिटल, हम लोग भी जो है वो क्या है, मानव पूंजी है, ठीक है। और हम लोग क्या है, एक उत्पादक वर्ग में है, और एक अगर बच्चे होते या 65-65 साल के से ज्यादा एज के होते तो क्या होते, अनुत्पादक वर्ग होते, ठीक। तो हम लोग क्या है, मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद नवाचार, इनोवेशन, अनुसंधान एवं विकास, मतलब इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और छठा इसका पिलर, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक। चलिए,
देखिए अब बात आती है बजट में डेटा की, ठीक है। बजट में डेटा काफी सिग्निफिकेंस है और उसको कई बार आपको ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो भी आप एक से दो बार देखिएगा इसको, ठीक है। तो जिससे बजट के डेटा उस आपको मेमोराइज हो सके, क्योंकि कुछ डेटा बजट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। चौंतीस लाख 83,236 करोड़ रुपए का ये टोटल बजट है, जो पिछली बार के 34,50,305 से 32,931 अधिक है, ठीक। तो ये टोटल बजट है इस बार का, ठीक। 34,83,236, पूरे नंबर पे नहीं जाइएगा, कुछ नंबर्स इसकी डिजिट आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे आइए। अब जो व्यय है, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यय के भी दो टाइप, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। इस व्यय के भी दो टाइप, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहां पे इसको समझ लीजिए कि सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए, सरकार ने कितना, 1,75,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट द्वारा जुटाने का लक्ष्य बजट में रखा है। तो ये लक्ष्य क्यों रखा है 1,75,000 करोड़ का, क्यों डिस इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब सरकार यहां पे अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, और सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच करके किसको ये हिस्सेदारी देगी, तो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच करके प्राइवेट सेक्टर्स को ये हिस्सेदारी देगी। जैसे इस बार सरकार ने बजट में कहा है कि हम दो पब्लिक सेक्टर का बैंक बेचेंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी बेचेंगे, ठीक है। और वो दो बैंक जो होंगे वो आईडीबीआई के अलावा होंगे, क्योंकि आईडीबीआई को हमने पहले ही बेचने का तय किया हुआ है, ठीक। और उन दोनों बैंकों का हम नाम नहीं बताएंगे, इसीलिए बैंक वालों की भी स्ट्राइक हुई कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बैंक बिकने के नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब उसमें से सरकारी मालिकाना हक को बेच देना, ठीक है, और वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए उससे उतना पैसा लेकर के सरकार अपनी हिस्सेदारी उसमें बेच देगी, ठीक। अच्छा, पिछली बार भी 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान था, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं जुटा पाए और पिछली बार 32,000 करोड़ ही क्या हुआ इसमें प्राप्त होने का अनुमान है, ठीक। चलिए अब यहां पे देखिए, राजस्व घाटे की जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक, 1,140,576 करोड़, मतलब कि ये कितना परसेंट रहेगा, ये आपकी जीडीपी का 5.1%, ये राजस्व घाटा, ठीक, जीडीपी का 5.1%। और मैंने आपको बताया था कि इसी में से जब पूंजीगत व्यय को माइनस कर देंगे, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन में दिए गए आने वाले अनुदानों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%, मतलब 5.1%,
राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%, ठीक है, तो वो इससे 1% कम हो गया। ठीक, अच्छा, यहां पे भी यही बात कही जा रही है कि प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के बीच दिए गए पैसे के सीजन को बीच के अंतर को ही कहा जाता है। ठीक, अच्छा, ये बात की जा रही है कि बजट 21-22 में राजस्व घाटा, ये 21-22 नहीं, ये 20-21 में कर लीजिएगा, ठीक है, ये बजट 2020-21 है, ये बात की जा रही है। 20-21 में जीडीपी का 2.7% रखने का लक्ष्य रखा गया था 19-20 में, और COVID-19 महामारी के सरकार की वजह से क्या हुआ, इस सरकार का खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो जब सरकार का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ, ये जीडीपी का फिर संशोधित अनुमान कितना आया, 7.5%, जो कि एक बहुत बड़ा डेटा होता है 7.5% का। ठीक, और राजकोषीय घाटा 15,06 812 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो जीडीपी का 6.8% होगा, ये जीडीपी का 6.8% होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 3.1% है। ठीक, 3.1% है, तो मतलब राजस्व घाटा कितना, 7.5% का अनुमान है, और ये राजकोषीय घाटा 6.8%, उसके बाद प्राथमिक घाटा 3.1%। आइए आगे, ठीक है ना, उसके बाद 21-22 में जीडीपी का 0.4% ही अनुमानित था, लेकिन संशोधित आकलन में बढ़ करके 5.9% रहा। ठीक, अच्छा, उसके बाद सरकार के को क्या करना पड़ता है, सरकार के जो व्यय होते हैं उसमें ब्याज अदायगी और सब्सिडी, ये बहुत बड़ा व्यय होता है सरकार का। ठीक है, सब्सिडी का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जो महंगी है वो सरकार हमको कम रेट पे अवेलेबल करा दे। ठीक है, और मार्केट रेट और हमारे दिए गए रेट, मतलब जो रेट हम पे कर रहे हैं और जो मार्केट का रेट है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको सरकार पे कर दे, इसी को कहते हैं सब्सिडी। ठीक, ठीक है, आप देखिए, 3,35,361 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है इस वर्ष के बजट में। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, जैसे सब्सिडी होती है तो एक सब्सिडी को बोलते हैं विकासात्मक सब्सिडी, और एक सब्सिडी को हम लोग कहते हैं गैर विकासात्मक सब्सिडी। ठीक, तो जैसे कि जैसे सब्सिडी जो अगर सरकार खाने के लिए दे रही है, खाने पीने की चीज़ों में, जैसे अभी क्या हुआ है, सरकार ने अनाउंस किया है कोविड पेंडेमिक की वजह से कि 5-5 किलो राशन जो है, 5-5 किलो गेहूं चावल जो है वो पर पर्सन जो है, इस बार हम फिर से देंगे 2 महीने के लिए, मई और जून के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, खाद्य सब्सिडी है, ये गैर विकासात्मक है, लेकिन जो सब्सिडी सरकार यूरिया खरीदने के लिए दे रही है वो विकासात्मक सब्सिडी है। ठीक,
तो इन दोनों का ये बेसिक अंतर होता है कि गैर विकासात्मक कौन सी है और विकासात्मक कौन सी है। ठीक, खाद्य सब्सिडी पे 242,876, उर्वरक सब्सिडी पे 79,530 और पेट्रोलियम सब्सिडी पे 12,995 करोड़। ठीक, तो आप ये सब्सिडी में सिर्फ इतना याद रखेंगे, यहाँ पे इन तीनों डेटा को याद नहीं रखना है कि सबसे ज़्यादा व्यय खाद्य सब्सिडी पे होता है। ठीक, अगर ऑप्शन में पूछ देगा तो आप वहाँ पेट्रोलियम या उर्वरक सब्सिडी से कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इसका सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। अक्सर करके ये पूछा जाता है कि किस मद में सरकार की सब्सिडी का सबसे ज़्यादा पैसा व्यय होता है, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे खाद्य सब्सिडी। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं रक्षा आवंटन की। कुल आवंटन हुआ जो डिफेंस में हुआ कितना हुआ, 478,195 करोड़। ठीक, 478,195 करोड़ कौन सा, डिफेंस का। ठीक, और ये जो है जो डिफेंस में हमारा हुआ बजट आवंटन में कितना है, 7.4%, 7.4% है। ठीक, अब 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं पे कितना आवंटन हुआ। अच्छा, अब इसको भी ध्यान रखिए, ये करता क्या है कि यहाँ पे भी क्वेश्चंस जो है ये पूछ लेता है कि किस योजना पे, अभी लास्ट ईयर पीसीएस में उसने पूछा था, मनरेगा पे पूछा था कि इनमें से किस योजना पे अधिकतम व्यय था बजट में। ठीक है, तो क्या होता है कि आप कम से कम शुरुआत की 3-4 योजनाओं का आपको ये ध्यान रहे कि इस पे कितना पैसा सरकार ने खर्च किया है। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी पीसीएस वगैरह में सीक्वेंस लगाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सीक्वेंस घटते हुए क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, कितना पैसा सरकार ने इस बजट में लगाया, तो बजट में यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा सरकार ने कहां पे लगाया, ये लगाया मिड डे मील पे। ठीक, राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मतलब कि मिड डे मील। अब मिड डे मील पे कितना पैसा लगा, ये लगा 1,15,000 करोड़ रुपए। इधर राइट हैंड पे देखिए मैंने लिख भी दिया है 1, तो जो इधर से फर्स्ट है उसी वही फर्स्ट है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए सेकंड किस पे लगा पैसा सबसे ज्यादा, सेकंड देखिए, सेकंड लगा, सेकंड लगा किस पे, सेकंड लगा मनरेगा पे, 73,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 73,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ मनरेगा पे। अच्छा, उसके बाद थर्ड आइए, थर्ड लगता है गया नेक्स्ट पेज पे, हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, मतलब वो पैसा जो 2,000 रुपए सरकार जो अकाउंट्स में किसानों के ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, हर क्वार्टर पे, हर 4 महीने पे शायद, ठीक है ना, तो वो 65,000 करोड़ रुपए उसके लिए। ठीक, तो सबसे पहले मिड डे मील 1,15,000 करोड़, उसके बाद नरेगा मनरेगा जिसपे 78,000 करोड़, और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 65,000 करोड़। ठीक, बजट एलोकेशन ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका। ठीक, अच्छा, उसके बाद आइए जल जीवन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है सरकार की, या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन। ठीक है,
50011, ठीक है, ये 50,011 करोड़ रुपए, 50,011 करोड़ रुपए इस पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 37,130 करोड़ रुपए। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, 34,300 करोड़ रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन 2300 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन 2300 करोड़ रुपए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितना, 9,994 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 9,994 करोड़ रुपये। डेटा ज़्यादा है तो वीडियो को एक से दो बार देखिएगा, और कई बार अपने से भी डेटा को थोड़ा सा कई बार इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, तब जाके डेटा आपको याद होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बजट से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए आगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 3,130 करोड़, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 3,130 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 27,500 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 15,000 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 11,588 करोड़। शुरुआत के तीन, जो चार पांच हैं, जो बड़ी योजनाएं हैं उनका ध्यान रखिएगा, और कुछ महत्वपूर्ण जो मैंने बताई उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस बनाने के लिए भी आ जाता है, ठीक। ठीक है, अब देखिए, अब 19-20 का हमको वास्तविक डेटा देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, जिस डेटा की मैं बात कर रहा था कि हमारे पास 19-20 का क्या है, वास्तविक डेटा है, 20-21 का क्या है, संशोधित अनुमान है, और 21-22 का क्या है, बजट अनुमान है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये 21-22 होगा, 19-20, 20-21, और ये हो गया क्या होगा, 21-22, ठीक है, ये होगा 21 और 22, ठीक। तो देखिए अब राजस्व घाटा जो है 19-20 में क्या किया गया, 3.3%, ठीक। और ये जो था 2021 में कितना बजट अनुमान लगाया गया, 2.5%, ये जीडीपी का परसेंट है, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है, और ये परसेंटेज जीडीपी का परसेंटेज है, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में हमारी जब अर्थव्यवस्था बैठी -23% के करीब चला गया हमारा जीडीपी, तो वहां पर क्या हुआ कि इसको रखा गया संशोधित अनुमान में 7.5%, ठीक है। ना और राजकोषीय घाटा 4.6, बजट अनुमान यहां पे हमको प्राप्त कितना हुआ, 19-20 में 4.6, 20-21 के बजट अनुमान में हमने रखा कितना, 9 3.5, लेकिन ये अचीव कितना होगा, 9.5, ठीक है। और 21-22 में इस बार इसका बजट कितना रखा गया है, 6.8%, ठीक। और 21-22 में राजस्व घाटा 5.1%, और राजकोषीय घाटा 6.8%, ठीक। और प्राथमिक घाटा
1.6% और 2021 के बजट में 19-20 में रखा गया था 1.6%, 2021 के बजट में 0.4%, लेकिन उसी पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ कि ये बढ़ करके बढ़ा दिया गया 5.9%, और इस बार के बजट अनुमान में कितना रखा गया है 3.1% का। ठीक, अच्छा, अब एक बात और, जैसे टैक्स को मैंने आप लोगों को पहले से बताया कि जब 1% पे टैक्स लगता है, ठीक, जो टैक्स का अमाउंट है वो टैक्स लगा और सीधा उसी परसेंट पे उसका इंपैक्ट हुआ तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जब कलेक्टिव इंपैक्ट होता है तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे टैक्स कौन से टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से? GST, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, चलिए, अब यहां पे एक चीज देख लीजिए कि इस बार सरकार ने क्या कहा है कि 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। सरकार ने क्या कहा है कि 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि हम लोग भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं, इसलिए इस एज से ऊपर जो भी लोग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स सरकार अकाउंट से ही काट लेगी, TDS से काट लेगी, उसको दिक्कत नहीं है, टैक्स पूरा लेगी, लेकिन आपको भरने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ पे जो 75% के ऊपर के लोगों की बात हो रही है, ये ऊपर के लोग किसकी बात हो रही है? जिसकी इनकम जो है सिर्फ और सिर्फ किससे होती हो, वो इनकम होती हो ब्याज से, मतलब इंटरेस्ट से या डिविडेंड से इनकम होती हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो या बैंकों में उन्होंने पैसा रखा हो या और जगह लगाए हो पैसा, जहां पे उनकी इनकम कहाँ किससे हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ ब्याज से हो रही हो, तो वहां पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पेंशनर होंगे तो उनको टैक्स पूरा देना पड़ेगा। ठीक, एक बार टैक्स स्लैब देख लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ कौन से टैक्स स्लैब की? मैं बात कर रहा हूँ पुराने वाले टैक्स स्लैब की। किस टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पुराने वाले टैक्स स्लैब की। ठीक है, तो ये टैक्स स्लैब जो है, मतलब 0 से 2.5 लाख रुपये तक कर मुक्त, 2.5 से 5 लाख रुपये तक 5%, 5 से 7.5 लाख रुपये तक 10%। ठीक है, उसके बाद 7.5 से 10 लाख रुपए तक 15%, 10 से 12.5 लाख रुपए तक 20%, 12.5 से 15 लाख रुपए तक 25%, और 15 लाख से अधिक पर 30%। ये टैक्स स्लैब है। इस टैक्स स्लैब में दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, एक जो मैंने ये बताया 0 से 2.5 लाख रुपए वाला तक, और एक है जो 0 से 5 लाख तक है, वो उसमें भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर कोई भी छूट नहीं मिलेगी, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो ये इन दोनों का बेसिक अंतर हो गया। ठीक, अब यहां पे एक चीज और देखिए, बजट में स्क्रैप पॉलिसी, कॉपर स्क्रैप पर आयात, कॉपर स्क्रैप पर जो आयात शुल्क है वो 5% से घटा करके कितना कर दिया गया है? 2.5% कर दिया गया है। ठीक, और सोने और चांदी पर आयात शुल्क को जुलाई 2019 में 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया था, और इसे पुनः घटाकर उसी स्तर पे ला दिया गया है, मतलब सोने और चांदी पे आयात शुल्क को 10% पे ही ला दिया गया है। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? पेट्रोल डीजल सोना तथा आयात होने वाले
कुछ कृषिगत उत्पादों पर कृषि बुनियाद ढांचा विकास उपकर। कृषि बुनियाद ढांचा विकास उपकर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस बजट में लगाया गया है। इससे क्या पेट्रोल डीजल वगैरह पे कुछ सर्टेन रेट लगा दिए गए हैं, 2.5%, 2.5 रुपये करीब पेट्रोल पे, 4 रुपये करीब डीजल पे, इस तरह का है। ठीक है, इससे क्या है, इस इन उपकरों से मतलब इन सेस से क्या है कि सरकार अपना राजस्व अर्जन बढ़ाएगी और 30,000 करोड़ रुपए कमाने का सरकार का लक्ष्य है। ठीक, अच्छा, एक केंद्र प्रायोजित योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वरूप भारत योजना की घोषणा इस बजट में की गई। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी कौन सी, देखिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, ये वही मैंने कहा स्वरूप कहां से आ गया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को बजट में शामिल करने की घोषणा की गई। ठीक, इसमें 6 वर्षों में इस पे कितना पैसा खर्च होगा, 64,180 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि COVID-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है इसी वैक्सीन के लिए। इस टाइम बहुत ज़्यादा पैंडेमिक में सिचुएशन खराब है भारत में। इस टाइम 2 वैक्सीन है, भारत की अपनी कौन सी है, कोवैक्सीन, और जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, और सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ किसको बनाया है, कोविशील्ड को बनाया है। हालांकि अब स्पुतनिक वी वगैरह को भी भारत में मान्यता दी जा रही है, जिससे कि जॉनसन एंड जॉनसन भी उसी प्रक्रिया में आ रही है भारत की, जिससे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू करके उसको पूरा किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 2.886 करोड़, ठीक है, 2,86,00,000 घरों में नल कनेक्शन के साथ सभी 4378 सभी शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति, ठीक, एवं 500 अमृत शहरों के तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है, जल जीवन मिशन शहरी का शुभारंभ किया जाएगा। मतलब कि जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम स्टार्ट की गई है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन किसके लिए स्टार्ट किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जिसमें 22 फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद बजटीय प्रस्तावों के अनुसार मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्रों कौन कौन से, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेदुआ घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन 5 केंद्रों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, अच्छा, आप बात करिए एजुकेशन की, शिक्षा क्षेत्र में बजट में क्या क्या किया गया। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बजट में क्या किया गया,
कि बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। यहां पे समझने वाला कुछ नहीं है, एक छत्रक निकाय के रूप में, ठीक है, मतलब एक अम्ब्रेला निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने के लिए विधेयक इसी वर्ष लाया जाएगा, उच्च शिक्षा आयोग के लिए। ठीक, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख अभी जल्दी ही यूनियन टेरिटरी बना है और जम्मू कश्मीर भी जल्दी यूनियन टेरिटरी बना है 2019 में। तो लद्दाख में क्या है, उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है, और जम्मू में क्या किया गया है, गैस पाइपलाइन का वो केंद्र, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा बजट में की गई है। ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, जनजाति क्षेत्रों में जहां की आबादी मैक्सिमम क्या होगी, एसटी होगी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने हेतु 13 सेक्टरों में क्या क्या, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक, की घोषणा की गई। देखिए इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत संभावना है। यहां से वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स जिसको नाम दिया गया मित्र, MITRA नामक योजना शुरू करने का प्रस्ताव भारत को वस्त्र निर्यातक देश बनाने के लिए अगले 3 वर्षों में देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, मतलब कि भारत में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात की गई किसकी, टेक्सटाइल पार्कों की, ठीक, और इनका नाम क्या होगा, मित्र, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक। अच्छा, अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं किसकी, इस बजट में रेलवे की। पहले क्या होता था कि रेलवे का बजट अलग आता था, ठीक है, पहले एक ही साथ आता था, 1924 में एक वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया कि नहीं रेलवे बजट और यूनियन बजट को अलग अलग कर दीजिए, तो 1925 से क्या हो गया कि रेलवे बजट अलग आने लग गया और यूनियन बजट अलग आने लग गया, और 2017 में क्या हुआ, सरकार ने फिर से यूनियन बजट और रेलवे बजट को मिला के एक ही कर दिया, ठीक। तो ये ईयर ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे के लिए कितना, 110,055 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई, जिसमें 107,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज के रूप में 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। ब्रॉड गेज क्या होता है, बड़ी लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है,
और एक होता है मीटर गेज, नैनो गेज तो अब रहा नहीं, तो मैक्सिमम जो है अब ब्रॉड गेज हो रहा है। तो यही है कि दिसंबर 2023 तक सार सबका ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। मतलब वहां पे अब बिजली से चलने वाले इंजन होंगे, डीजल से चलने वाले या कोयले से चलने वाले इंजन नहीं होंगे। ठीक, एक इंपॉर्टेंट प्रावधान, वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक, वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ये लाई जाएगी जिससे पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके, प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। और इसमें क्या होगा कि अगर गाड़ी आपकी पर्सनल है तो 20 साल पे और कॉमर्शियल है तो 15 साल पे। ठीक, पर्सनल है तो 20 साल पे और कॉमर्शियल है तो 15 साल पे। यहाँ पे एक फिटनेस टेस्ट होगा, और अगर वो फिटनेस टेस्ट आपकी गाड़ी पास कर पाती है तो वो क्या होगा कि आप उसको कुछ दिन और चला पाएंगे, कुछ साल और चला पाएंगे, और नहीं तो वहाँ पे आपको उसको स्क्रैप में देना पड़ेगा, कबाड़ में देना पड़ेगा। ठीक, देखिए एक चीज और, यहाँ पे बजट में IDBI के अलावा दो सरकारी बैंकों एवं एक इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा की गई। IDBI का विनिवेश सरकार ने पहले ही कर दिया था, वो प्रोसेस में है, और दो और सरकारी बैंकों के विनिवेश की बात कही। इन लोगों को शक है कि ये दो बैंक जो हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और शायद पंजाब एंड सिंध बैंक हो सकते हैं, इसीलिए बैंकों की एक बड़ी स्ट्राइक भी हुई थी। ठीक, अच्छा, बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितना कर दिया गया, वो 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया। ठीक, 49% थी तो वहां से उसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा कि इस बार की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, और कुल 16वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक, और पहली डिजिटल जनगणना होगी, और इस पे कितना खर्च किया जाएगा, 3768 करोड़ रुपए। कितना, 3768 करोड़ रुपीज। ठीक, उसके बाद गोवा इस वर्ष पुर्तगाल से आजादी की डायमंड जुबली वर्ष मना रहा है। ठीक है, कब आजाद हुआ था गोवा पुर्तगाल से, तो 1961 को, और 2021 में क्या होगा, 60 साल हो जाएंगे। ठीक, यही गोवा मना रहा है, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में पोर्तुगीज गए थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला योजना का लगभग 8 करोड़ परिवारों को लाभ मिल चुका है, और अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इस लाभ को और पहुंचाया जाएगा। तो मतलब अब लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9 करोड़ हो जाएगी। ठीक, चल देखिए, और जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना स्टार्ट की जाएगी। ठीक, और लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, चलिए, अच्छा, अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मद है, जैसे आप जब मैगजीन में पढ़ते रहते होंगे तो ऐसा लिखा रहता है, रुपया आता है और ऐसे बना रहता है, ठीक है ना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, कि हाँ किस मद से कितना पैसा सरकार के पास आता है और किस मद में, मतलब किस हेड में कितना पैसा सरकार का जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हेड हैं जिसको ध्यान रखिए कि सरकार के आय और व्यय के, ठीक, कम से कम 3 से 4 हेड आपको याद होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो उधार एवं अन्य देयताएं,
मतलब सरकार का भी ज्यादातर पैसा, एक बड़ा पैसा कहां से आता है? उधार से। और अन्य देवताएं जो सरकार ने वो दिया हुआ, कर्ज वगैरह दिया हुआ है उसके, तो यहां से पैसा आया। दूसरा आया जीएसटी से, और तीसरा आया आयकर से, और चौथा आया निगम कर से। ठीक, तो आप ये तीन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर हम 1 रुपए को 100 पैसे में बांट लें, ठीक है, तो उन 100 पैसे में से 36 पैसा किससे आ रहा है? उधार एवं अन्य देवताएं से आ रहा है। ठीक है, और 15 पैसा कैसे आ रहा है? वो आ रहा है माल एवं सेवा कर से, मतलब जीएसटी से। और 14 कैसे आ रहा है? 14 पैसा 100 पैसे में का 14 पैसा, मतलब 14% ये आ रहा है इनकम टैक्स से, और चौथा ये निगम कर, ये 13% हो। ठीक, अब यहां पे देखिए कि सरकार का रुपया जाता कहां का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जब आप सबसे ज्यादा पैसा कर्ज लेंगे तो आपको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। जब आप कर्ज ज्यादा लेंगे तो सबसे ज्यादा 20 पैसा कहाँ जाता है? ब्याज अदायगी में। 20 पैसा सरकार का चला जाता है ब्याज अदायगी में। ठीक, उसके बाद 16 पैसा कहाँ जाता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ब्याज अदायगी में गया 20 पैसा, और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16 पैसा। ठीक, केंद्र क्षेत्र की योजना 13, यहां पे ध्यान रखिएगा रक्षा और पेंशन, रक्षा पे 8 और पेंशन पे 5% या 5 पैसा% जो भी बोलिए, क्योंकि 100 की बात हो रही है तो दोनों सेम है। ठीक, रक्षा पे 8 और पेंशन पे 5। ठीक, तो यहां तक रही हमारे बजट की बात, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज? हम लोगों ने सीखा बजट, हम लोगों ने देखा बजट का एक इतिहास, हम लोगों ने देखा बजट में विभिन्न योजनाएं, ठीक है, और बजट में किस योजना पे कितना पैसा सरकार ने खर्च किया है। ठीक, उसके बाद में सरकार का बजट हो गया, किस योजना पे सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। उसके बाद ये बजट जैसा हम लोगों ने देखा कि 6 पिलर्स पे आधारित है, उन 6 पिलर्स, उस वो 6 पिलर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग जैसे इस बजट पे जा रहे हैं उसमें क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, यहाँ पर नवाचार, ग्रामीण, पेयजल, ठीक है, शहरी विकास, स्वच्छता, अलग अलग मंत्रालय पे सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बजट के बाद में इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर, सरकार के पास रुपया किस 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 मद से कितना आता है और किस किस मद में कितना खर्च करना रहता है। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का आपका बजट पे वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी और ये बजट से रिलेटेड चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक, चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।